नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU, फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमिस्टर वन एंड सेमिस्टर टू माटे जे सिलेबस छे ए डिक्लेर करी देवामां आव्युं छे। न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ने अकॉर्डिंग जे सिलेबस छे ए डिक्लेर करी देवामां आव्युं छे। फर्स्ट ईयर बीकॉम में आ वर्षथी हवे 6 जगह 7 विषय जे छे ए अभ्यास करवामां आवशे। 7th जे सब्जेक्ट हशे एटले के 7th नंबर नो सेमिस्टर वन अने सेमिस्टर टू में ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हशे। दरेक विद्यार्थी मित्रों ने 7 सब्जेक्ट माटे जे सब्जेक्ट छे ए सिलेक्ट करवाना रहेशे। दरेक विद्यार्थी मित्रों ने कहेवा मांगू छूं के विद्यार्थी मित्रों क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करी शके छे, कारण के आ बहुज इम्पोर्टंट छे अने तमारा माटे खूब ज महत्वपूर्ण छे के ऑप्शनल तमे कयो विषय तमे पसंद करी शको छो। तमने 3 विषय आपवामां आव्या छे अने ए 3 विषयना नाम शुं छे अने क्या डिपार्टमेंटना ए 3 विषय छे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपणे वात करीशुं तमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट माटे। तो अकाउंट डिपार्टमेंटनो जे फर्स्ट नंबरनो जे ऑप्शनल सब्जेक्ट छे सेमिस्टर 1 मां जेनुं नाम छे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग आ जे ऑप्शनल सब्जेक्ट छे ए सेमिस्टर 1 नो छे अकाउंट डिपार्टमेंट नो। एना ज ओरमा एटले के बीजो जे सब्जेक्ट छे ओरमा इंडियन लिटरेचर एंड मैनेजमेंट। इंडियन लिटरेचर एंड मैनेजमेंट तो आज सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नो है, ये सेमिस्टर 1 ना ऑप्शनल सब्जेक्ट नो एक सब्जेक्ट है। देन 3rd नंबर पर आए थे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट नो सब्जेक्ट है सेमिस्टर 1 माटे, तो आप बात करीशू एनु नाम है वैदिक टू कॉन्टेम्पररी इकोनॉमिक्स। वैदिक टू कॉन्टेम्पररी इकोनॉमिक्स आज सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट नो सब्जेक्ट है। तो सेमिस्टर 1 में आ 3 सब्जेक्ट ना नाम में कीधा, फर्स्ट अकाउंट ना, सेकंड कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट ना, 3rd इकोनॉमिक्स ना। तो विद्यार्थी मित्रों तमे एक बार सिलेबस ने ध्यान थी जो अने तमने जे पण डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट होय, तमे अकाउंट सारू करी सकता होय, तमे कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में सारी स्टडी करी सकता होय, अथवा के तमे पावरफुल थियरी भनी सकता होय अने इकोनॉमिक्स तमे लई सकता होय, तो ए प्रमाणे तमे आ 3 माथी कोई एक विषयनो जे सिलेक्शन छे ए तमे करी सको छो सेमेस्टर 1 ना ऑप्शन सब्जेक्ट माटे। वात करीशुं आपणे सेमेस्टर 2, तो सेमेस्टर 2 मां पण ए ज प्रकारथी छे। वात करीशुं अकाउंट डिपार्टमेंट माथी, तो अकाउंट डिपार्टमेंट माथी फर्स्ट नंबर नो जे ऑप्शनल सब्जेक्ट छे सेमेस्टर 2 मां एनुं नाम छे फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस अकाउंट डिपार्टमेंट नो सब्जेक्ट है सेमिस्टर 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट माटे। देन इना ज ओर में जो ऑप्शन है कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में थी, तो कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में जो सब्जेक्ट है जेनुं नाम है ये नाम है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट नो डिपार्टमेंट नो सब्जेक्ट है सेमिस्टर 2 में। देन लास्ट आए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जे सब्जेक्ट है सेमिस्टर 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट एनु नाम है वेल्यूज एंड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। वेल्यूज एंड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी तो आज सब्जेक्ट हतो आ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट माथी आवे छे। तो तमने सेमिस्टर 1 अने सेमिस्टर 2 में सेम डिपार्टमेंट आपवामां आव्या छे ऑप्शनल सब्जेक्ट माटे, अकाउंट, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। आ 3 माथी तमारे कोई एक डिपार्टमेंटनो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करवानो रहेशे। हवे आ तमे सिलेक्ट कई रीते करी शकशो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमे तमने पहेला ज कीधुं के तमने अकाउंट सारू आवतो होय तो तमे अकाउंट लई शको छो। जो तमे थियरी वधारे पसंद करो छो, लाइक करो छो अभ्यास करवा माटे, तो तमे इकोनॉमिक्स सिलेक्ट करी शको छो। अर्थात तमारी जे थियरी छे ए मीडियम में छे एटले के तमने ओछी आवड़े छे, तो तमे कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट नो जे डिपार्टमेंट नो सब्जेक्ट छे सेमिस्टर 1 एंड 2 में तमे ए पण सिलेक्ट करी शको छो। एना सिवाय पण तमारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जोईती होय तो जे सिलेबसनी जे PDF छे सिलेबसना PDF में आ दरेक सब्जेक्टना जे सिलेबस है ये त्या आपेला है, ये सिलेबस ने जोईने तमे समझो एना टॉपिक्स समझो अने एना कंटेंट समझो अने एना पछी तमे फाइनल करो कि तमारे ऑप्शन सब्जेक्ट में कयो सब्जेक्ट जे छे ए सिलेक्ट करवानो छे। अने आनी प्रोसेस क्यारे शुरू थशे तो मैं आप सर्व विद्यार्थी मित्रों ने कहेवा मांगू छूं कि आनी प्रोसेस ऑनलाइन ज थशे अने ए फेकल्टी द्वारा अने यूनिवर्सिटी द्वारा ऑप्शन आपवामां आवशे। પ્રોફાઇલમાં તમે લોગિન કરીને તમારા ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરી શકો છો, પરંતુ ક્યારે થશે આની હાલમાં કોઈ પણ અપડેટ નથી, પરંતુ વહેલી તકે ફર્સ્ટ ઇયર બીકોમની જે એક્ઝામ છે એ કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે। જાન્યુઆરી મંથમાં ફર્સ્ટ ઇયર બીકોમની એક્ઝામ જે છે એ કન્ડક્ટ થઈ જશે। ફેકલ્ટી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે બિફોર ઉત્તરાયણ પહેલાં જે તમારી એક્ઝામ છે એ કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે।